अशोक गहलोत और पायलट वाला मामला अभी हल नहीं हुआ। जब खड़गे आए तो कहा गया कि मैटर शॉर्ट आउट हो जाएगा, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। बीच बीच में गहलोत कई तरीके के बयान खुले तौर पर देते रहे, कभी कभी तो उन्होंने सचिन पायलट को गद्दार तक कह दिया। पिछले कुछ दिनों से राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियां जोरों से हैं। कांग्रेस पार्टी संगठन और तमाम नेता बढ़ चढ़कर तैयारियों में जुट गए हैं। कुछ नेता तो राहुल के साथ फोटो खिंचवाने मध्य प्रदेश तक पहुंच रहे हैं। इनमें सचिन पायलट भी पीछे नहीं, अशोक गहलोत भी उनके स्वागत में पहुंच रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी इन दोनों नेताओं की उपस्थिति को नजरअंदाज करते नजर आ रहे हैं। इसके पीछे राजस्थान में गहलोत पायलट के बीच खींचतान एक बड़ी वजह मानी जा रही है। दो दिन पहले 24 नवंबर को मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में सचिन पायलट भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो गए। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात भी की, प्रियंका गांधी भी इस दौरान दिखी थी। सचिन पायलट के समर्थकों ने राहुल के साथ उनके फोटो जमकर शेयर किए थे। ये भी बताने की कोशिश की गई कि राहुल गांधी बड़े भाई की तरह सचिन पायलट पर प्यार लुटा रहे हैं और ये प्यार रखते भी हैं। इसी बीच सवाल ये है कि जब इतना सब कुछ है तो राहुल गांधी गहलोत और सचिन के बीच पड़ क्यों नहीं रहे हैं, यानी राहुल गांधी इस पचड़े में क्यों नहीं पड़ रहे। राहुल गांधी की ओर से पायलट और गहलोत को नजरअंदाज करने की सबसे बड़ी वजह क्या हो सकती है? जानकार कहते हैं कि इसके पीछे की एक बड़ी वजह यह है कि प्रदेश में पार्टी संगठन पहले से ही दो धड़ों में बट गया है। वो किसी एक की तरफदारी करते हैं तो दूसरा खड़ा हो जाता है और इसका नुकसान पार्टी को हो जाता है, और ये भी तय ही है एक तरीके से। अगले साल चुनाव है, चुनाव तक पार्टी का एकजुट रहना सत्ता में फिर से आने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। गुजरात चुनाव के बाद पार्टी का सारा जो फोकस है वो राजस्थान पर रहने वाला है और इसके लिए रणनीतियां भी तैयार हो गई हैं। राहुल गांधी इसी रणनीति के तहत पायलट गहलोत के बीच की रार को नजरअंदाज कर रहे हैं और इसी नजरअंदाजी में वो इसलिए बच रहे हैं कि कहीं वो एक तरफ की तरफदारी के चक्कर में दूसरे ही तरफ से बुरे ना बन जाएं, यानी कहीं पार्टी में ही कोई कलेश ना खड़ा हो जाए, जो चुनाव से पहले तो वो कतई नहीं चाहते, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी वो नहीं चाहते। राजस्थान सरकार में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने राज्य में कांग्रेस के भीतर गहलोत और पायलट गुटों के बीच मची कथित लड़ाई को लेकर एक बयान दिया। उन्होंने उम्मीद जताई है कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए AICC के संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल के राजस्थान आने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसी बीच खाचरियावास ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के भीतर युद्ध विराम हो जाएगा। उन्होंने सभी पार्टियों में कुर्सी के लिए प्रतिस्पर्धा होने की बात भी कही। खाचरियावास गहलोत गुट के नेता हैं और CM के बेहद करीबी बताए जाते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से पार्टी के ही नेता सचिन पायलट को गद्दार कहे जाने वाले बयान पर कांग्रेस पार्टी के भीतर असहजता की स्थिति बन गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की ओर से मामले को लेकर साफ बयान नहीं आया है। कांग्रेस नेता CM गहलोत और सचिन पायलट को लेकर सधे हुए बयान दे रहे हैं। इस मुद्दे के चलते पार्टी के संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल 29 नवंबर को जयपुर जा रहे हैं। इस बीच सूत्र कहते हैं कि कांग्रेस आलाकमान ने राजस्थान संगठन को कब हल किया जाए इस पर भी अपना मूड बना लिया है, यानी पूरी जो नजर है वो है खड़गे पर। KC वेणुगोपाल का बयान भी अहम हो जाता है। KC वेणुगोपाल ने कहा, राजस्थान में कोई संघर्ष नहीं है, पार्टी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए राजस्थान कांग्रेस की ताकत दिखाएगी। सूत्र कहते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल और प्रियंका से मुलाकात करके दिल्ली आए वेणुगोपाल ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से राजनीतिक संकट पर चर्चा की है। उसके बाद 29 नवंबर को वेणुगोपाल की आगामी जयपुर यात्रा तय हुई है। जयपुर दौरे के दौरान वेणुगोपाल भारत जोड़ो यात्रा के राजस्थान चरण के लिए गठित समितियों की बैठक करेंगे, जिसमें अशोक गहलोत और सचिन पायलट भी मौजूद होंगे। सूत्रों ने बताया कि इस दौरान वो दोनों से अलग अलग बात करके मसले का हल निकालने की कोशिश करेंगे और भारत जोड़ो यात्रा के दौरान किसी भी तरीके की बयानबाजी या अनुशासनहीनता से दूर रहने की कड़ी चेतावनी देंगे। जरूरी भी है शायद कांग्रेस के लिए। राजस्थान में पार्टी पॉलिटिक्स ने कांग्रेस के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि पार्टी अभी सिर्फ दो ही राज्यों में है। राजस्थान मामले में तुरंत कार्रवाई नहीं किए जाने के पीछे एक वजह यह भी है कि गहलोत ने गुजरात चुनाव की कमान फिलहाल संभाली हुई है और अगले कुछ दिनों में राहुल की भारत जोड़ो यात्रा भी राजस्थान में चली ही जाएगी। ऐसे में राजस्थान संकट को लेकर तुरंत कोई बड़ा कदम उठाने से पार्टी बच रही है। सूत्र कह रहे हैं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे गुजरात चुनाव के बाद ही राजस्थान मुद्दे को सुलझाने के मूड में है। इसी वजह से आलाकमान के दूत के रूप में संगठन के महासचिव वेणुगोपाल स्थिति को कंट्रोल में लाने के लिए
29 तारीख को जयपुर जा रहे हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।